मित्रों, अभी मैं बाजार के आधारित जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बहुत सारे जो पहलू हैं, उसकी जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। और इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक जो खेती है और एक जो खाद्य की जो इंडस्ट्री है, उसके बीच में क्या लिंक है। क्योंकि इसको हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें मार्केट लेड एक्सटेंशन, बाजार आधारित एक्सटेंशन कैसे करना चाहिए। और दूसरी बात कि ये जो कमोडिटी मार्केटिंग की सिस्टम होती क्या है, जबकि हम मार्केट में जब कोई भी चीज़ को ले जाते हैं तो कैसे वो बिकता है, क्या लोग देखते हैं, अगर जो वो परिप्रेक्ष्य हमें मिलने की कोशिश होगी और हमें मिलेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो बाजार आधारित जो एक्सटेंशन की जो हम बात कर सकते हैं, उसमें हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी। एक और पहलू जो कि हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसमें क्या क्या मुश्किलियाँ आती हैं। अगर जो हम इन चीज़ों को जान लेंगे तो उसके बाद हमको ये जानकारी लेने की ज़रूरत है कि एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के मुख्य पर्सोनल की तरह हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करने वालों में से लोग हैं, तो हमें उसके परिप्रेक्ष्य में हमें बाजार आधारित एक्सटेंशन कैसे करने के लिए क्या कैसे करना चाहिए, और हम उसको करने के लिए हमारे रोल क्या चेंजेस होंगे, और उसके आधारित जब हम उत्पादन आधारित जब एक्सटेंशन की बात जो हम पहले करते थे वर्षों पहले, अब हम मार्केट लेड एक्सटेंशन में हम कैसे शिफ्ट होने की बात करेंगे। इसको सारी चीज़ों को देखने के लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि खेती और खाद्य इंडस्ट्री जो है उसके बीच में क्या समन्वय है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जो एक प्रोड्यूसर जो है, जो फार्मर है, जो कि एक किसान है, वो पहले 20वीं सदी के पहले किसान खुद खाता था, खुद उगाता था और खुद खाता था, और दूसरे अपने परिवारजनों को भी कुछ लोग देते थे, मतलब बार्टर का एक सिस्टम चलता था। धीरे धीरे इसमें कुछ ट्रेडर्स आ गए, क्योंकि लोग जब जनसंख्या बढ़ी तो उसमें से उत्पादन जो हो रहा है वो बेचने की बात आ गई, तो उसमें कमोडिटी के ट्रेडर्स आ गए। दूसरे देखा जाए तो अब उसको जब ट्रेडिंग होना शुरू हुआ तो लोग इसमें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले आ गए कि भाई प्रोसेसिंग भी कुछ होना चाहिए, इसमें प्रोसेसिंग का भी एक मुख्य भाग होता है। उसके बाद इसमें धीरे धीरे लोग रिटेलर्स भी आ गए कि भाई कुछ बेचने वाले भी होंगे। अब हाल फिलहाल में अब साइंटिस्ट भी इसमें बीच में आकर के जुड़े हैं कि साइंटिस्ट कुछ नए बना रहे हैं, कुछ नए इनोवेशंस कर रहे हैं, और इन तीनों को साथ में, चारों को साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक किसान हुआ, ट्रेडर हुआ, मैन्युफैक्चरर हुआ और रिटेलर हुआ, और साथ में एक कंज्यूमर हुआ, और इन पूरे परिप्रेक्ष्य में हम एग्री बिजनेस को देखने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक हमें मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव को समझने की बात है तो उसमें दो चीज बहुत जरूरी है जानकारी लेना कि कोई भी चीज उत्पादन होकर के जब मार्केट में जाती है तो उसमें कोई भी जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो फूड प्रोसेसिंग में लगा हुआ है या प्रोसेसर है, उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है, उसको अलग अलग करने के लिए कोशिश करता है कि मतलब कुछ बच्चों के लिए है, कुछ बूढ़ों के लिए है, कुछ हेल्थ कॉन्शियस के लोगों के लिए है। जब उसके ऊपर जब ये डिफरेंशिएशन हो जाता है तब वो ब्रांडिंग करने की कोशिश करता है। मतलब जिसमें ये ब्रांडिंग इसलिए होती है ताकि कंज्यूमर्स को ये पता चले कि ये पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो इन लोगों के लिए, इन चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस है और उसकी ब्रांडिंग हो गई है कि ठीक है। अब जैसे है, हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हम लेते हैं तो वो एक ब्रेकफास्ट के, नाश्ते के तौर पे एक पर्टिकुलर कंपनी ने उसको ब्रांडिंग करके रखा है। अब डिफरेंशिएशन और ब्रांडिंग जब हो गई तो उस दोनों प्रोसेस के होने के बाद कंज्यूमर में एक लॉयलिटी आती है, जो जो कंज्यूम करने वाले होते हैं उसके बीच में एक विश्वास खड़ा होता है, और उस विश्वास खड़ा होने के बाद ब्रांड की एक लॉयलिटी आती है। ब्रांड की लॉयलिटी तभी आएगी जबकि वो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, लोग उसमें एक धारणा रखेंगे इस ब्रांड के सिवाय किसी और के ब्रांड को लेने की जरूरत नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में हमको यह देखा जाए कि धीरे धीरे लोगों का इनकम तो बढ़ रहा है। अब लोगों का इनकम जब बढ़ रहा है तो हर चीज में जो हम डिफरेंशिएशन, ब्रांडिंग और कंज्यूमर लॉयलिटी और ब्रांड लॉयलिटी की बात जो कर रहे हैं, इसमें लोगों का यह मानना है कि हर चीज हर समय उपलब्ध हो। हर चीज हर समय उपलब्ध होने की बात तब आती है जबकि रॉ मेटेरियल उस वक्त पे हर समय मिलते रहे, और यह बहुत बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर के लिए। चैलेंज इस मामले में है कि उसको हम हर वक्त तो उपलब्ध करा नहीं सकते हैं, लेकिन कराएं भी, मान लीजिए हम कोशिश भी करें मार्केट लेड एक्सटेंशन के तहत जो एक परिप्रेक्ष्य में लेने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें उसका कॉस्ट कैसे कम किया जाए, उसके उत्पादन मूल्य को कैसे हम कम कर सकते हैं, उसमें क्वालिटी कैसे अच्छा रखा जाए,
जब ये चीज हम सोचेंगे तो हम अमूमन ये बात हमारे दिमाग में आएगी कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या कोई सुधार हो सकता है, कम्युनिकेशन में क्या कोई सुधार हो सकता है, और इन सब परिप्रेक्ष्य में हमारा जो किसान है वो एक तरह से सिर्फ लोकल मार्केट को देख करके पड़ा हुआ है कि ठीक है मैंने आज धान निकाला, धान को फिर मिल में भेजा, उसके बाद फिर मार्केट में आ गया, लेकिन वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को सोच रहा है। हो सकता है कि एक्सपोर्ट मार्केट में कुछ और भी हमको रवैया देखने को मिले। इन सब चीजों में जब जानकारी हम ले लिए तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो किस प्रिंसिपल से गाइड होता है, उसकी भी एक अपनी धारणा है, उसकी भी अपनी बाजार की एक समझ है। उस बाजार की समझ में सबसे पहली बात यह आती है कि वो किसी सीजनैलिटी पे तो गाइड नहीं हो सकता है। सीजनैलिटी का मतलब ये हुआ कि कोई मौसम आधारित जो प्रोडक्शन जो शेड्यूल्स होते हैं कि ये सब्जी और ये पर्टिकुलर फ्रूट और ये पर्टिकुलर सीरियल क्रॉप ये इस समय मिला और इस समय निकला, तो वो आधारित वो सीजनैलिटी के आधार पर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को गाइड नहीं कर सकता है। जब हम उसको अपनी वो सीजनैलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, जब वो किसी भी टाइम में किसी भी मौसम में किसी भी समय में अगर जो उस चीज़ को वो बाहर दे सकता है, तभी वो जनसंख्या के और सोशल जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो समाज के प्रति उसकी जो एक दायित्व तो है उस कॉम्पिटिशन में खड़ा रहने के लिए, उसको जरूरी है कि समय पर वो ये सामान दे। तो ये चीज़ को समझने के लिए हमको क्वालिटी, टाइमलीनेस, कॉस्ट, ये सारे चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सब करने से उसकी कैपिटल कॉस्ट कम होती है, वो जो वेजेस जो वो लगाना चाहिए वो हर समय पे अलग अलग समय पे अलग अलग लेबर को तो वो लगा नहीं सकता है, उसकी वेज भी कम हो सकती है लेबर की वेजेस, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो रिड्यूस कर सकता है। इसी तरह से उसकी जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, जो सामान कितना लाकर के वो रखेगा और कितना वो प्रोड्यूस करेगा उसके ऊपर उसका एक कंट्रोल हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए कि अगर जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग करके हमारे किसान अगर जो इस मार्केट में आना चाहते हैं तो उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जरूर होगा। इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसको फैसिलिटेट करें, वो हमारे मैन्युफैक्चरर को अपनी वो ब्रांड मार्केटिंग कर सके। जब वो ब्रांड मार्केटिंग कर सकेगा हम उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे पाएंगे, तब हमारे सामान की डिमांड बढ़ेगी, हम भी अपने बाजार के रुख से हम अपने आप को परिचित कर पाएंगे और अच्छे से अपने आप को देख पाएंगे। इसमें बहुत सारे इनोवेशंस की जरूरत है। हो सकता है टेस्ट में इनोवेशन हो, टेक्सचर में इनोवेशन हो, शेप में इनोवेशन हो, हेल्थ के कनोटेशंस के हिसाब से कुछ इनोवेशंस हो सकती है, जैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू, फूड प्रोडक्शन मेथड्स के हिसाब से। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी चैलेंजेस हमारे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम में हैं। ये सब करने के लिए तो जरूरी है, ये बहुत जरूरी लगता है कि हम अगर जो मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो हमें ये सब करना जरूरी है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत निहायत आवश्यक है कि हम अपने एग्रीकल्चर के मार्केटिंग को सिस्टम को देखने जाएंगे तो जितनी ज़्यादा हमारे मार्केट की साइज़ जो बहुत बड़ी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उतनी अच्छी हमारे पास मार्केटिंग सिस्टम की व्यवस्था है नहीं। बहुत सारे प्राइवेट ट्रेडर्स हैं जो कि 80% मार्केट रेट सरप्लस पे ही जाते हैं, कोई डायरेक्ट किसान के तरफ से और कंज्यूमर तक का कोई डायरेक्ट मार्केटिंग कोई सिस्टम ही नहीं है। अभी स्टैटिस्टिक्स के तौर पे देखा जाए, आंकड़ों के तौर पे देखा जाए तो 27,294 जो मार्केट्स हैं उसमें से 85% ऐसे हैं जहां पे एफिशिएंट ट्रेड सिस्टम कुछ है ही नहीं। जो कहां पे क्या जाता है, कौन लोग इसमें हैं, कितना किसको कमीशन मिलता है, किस समय पे जाता है, ये हमें पता नहीं है। कुछ ऐसे 7,161 मार्केट यार्ड हैं और सब यार्ड्स हैं जो कि इतनी ज़्यादा उनके पास कोई मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि उनके पास न स्टोरेज की फैसिलिटी है, न ग्रेडिंग की सुविधा है जो कि हमारे किसानों को उसका लाभ मिल सके। अब एक तौर से और भी हम जानते हैं, हमारे डेटा जो कहता है कि 30% हमारे जो शाक सब्जी और फल जो हैं वो हमारे हैंडलिंग में खराब हो जाते हैं, ग्रेन 7% खराब हो जाते हैं, और 10% जो है वो स्पाइसेस जो मसालों का जो व्यापार है उसमें वो 10% उसका लॉस होता है। ये पूरा मिलाकर के देखा जाए तो हर साल 50,000 करोड़ रुपया हम इसमें अपना गंवा रहे हैं। इसमें क्या है कि इस मार्केट रिस्क को समझने की जरूरत है। एक रिस्क बेयरिंग कहां से होगा, प्रोडक्शन जहां पे हो रहा है और कंजम्पशन जहां तक हो रहा है, उसके बीच में जो बहुत सारी जो रिस्क एसोसिएटेड है, मार्केट रिस्क जिसको बोलते हैं, ये कम करने की जरूरत है। ये एक चैलेंज है। स्टोरेज की फैसिलिटी है नहीं, ग्रेडिंग की सुविधा कहीं है नहीं, जिसके कारण से स्टैंडर्ड्स जो होते हैं जो कि एक मार्केटिंग सिस्टम में बहुत जरूरत होता है वो हम अपना नहीं सकते हैं।
उस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि क्वालिटी हमारा सफर करता है, क्वांटिटी भी हमारा सफर करता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की भी बात है और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी की भी बात है। जहां तक प्रोसेसिंग की बात है तो इस प्रोसेसिंग में हमने कोई वैल्यू कोई ऐड किया नहीं, जिसके कारण से हमको प्रोसेसिंग का कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण से हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। क्वालिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन किसानों तक पहुंचना चाहिए, प्राइस की इन्फॉर्मेशन हो, उसके क्रॉप के ट्रेंड की इन्फॉर्मेशन हो, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहीं तो पहुंचता है नहीं। मार्केट इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग जो कि हमको फैसिलिटेट करता है मार्केट इंटेलिजेंस के बारे में, मतलब कि जब हमें बाहर के मार्केट के बारे में जो किसान अगर जो जाने कि कौन सा क्रॉप हम आज से 5 महीने के बाद मार्केट में डालेंगे जिसके कारण से हमें अच्छे से अच्छे प्राइस मिलेंगे, ये सारी डिसीजन मेकिंग की सुविधा है नहीं। फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा लैग है। फाइनेंसिंग लैग का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई किसान ने अपना कोई प्रोड्यूस निकाला, उस प्रोड्यूस को निकालने के बाद जो बाजार में उसने बेचा, उस समय तुरंत उससे पैसा शायद कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है। उसी समय वक्त आ जाता है उसको अपने इनपुट के ऊपर पैसा लगाने का, और इन दोनों के बीच में जो समय का जो तफावत होता है, समय का जो फेर होता है, वो अपने उसके कारण से जो पैसा उसके पास समय से नहीं आ सका तो अपने वो इन्वेस्टमेंट की तरह अपने एग्रीकल्चर में अपने खेती में नहीं लगा सकता है। तो ये फाइनेंसिंग लैग जो है वो कहीं क्रेडिट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं, उस वो तो कहीं मिल नहीं पाता है। ये सारी चैलेंजेस हुई। इसी तरह से प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन, फाइनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग, मार्केट इंटेलिजेंस, ये सारे जो फैसिलिटेटिंग फंक्शंस हैं इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। और साथ में साथ जो पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम है इसमें हमें बहुत कुछ समझने की जरूरत है। अब इस परिप्रेक्ष्य में हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के जो लोग लगे हुए हैं इसमें क्या उनको करने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पूरे चीज को हम अपने रोल को अगर जो बढ़ाना चाहते हैं, अगर जो इस रोल को आगे तौर से देखा जाए कि एक बाजार आधारित एक्सटेंशन को अगर जो करना है तो क्या करना चाहिए, तो स्वॉट एनालिसिस, जैसे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स मार्केट का करें हम, जबकि हमको पता चले कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है। हम ये भी देखें कि हम कैसे फार्मर के इंटरेस्ट ग्रुप को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम ये भी देखने की कोशिश करें कि बहुत सारे स्कीम्स के अंडर में जो बहुत सारी कमिटीज, वाटरशेड कमिटी जैसे, यूजर्स ग्रुप जैसे, वाटर यूजर एसोसिएशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, थ्रिफ्ट और क्रेडिट ग्रुप, ये सारी जो ग्रुप्स बनी हुई हैं उनको हम एजुकेट करें कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसको सेल्फ हेल्प मतलब एक साथ वो मिलेंगे, सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, उसकी क्या यूटिलिटी है, ये सारी जो संभावनाएं हैं उनके ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत है। और इंटरेक्टिव और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत सुधारने की जरूरत है। मतलब बाहर बाजार के साथ, जहां पे मार्केट में खुद किसान जाए और वहां पे ये जानकारी लेने की कोशिश करे कि उसको भाव कितना मिलता है, कौन से चीजों का अच्छा भाव मिलता है, किस तरह का सामान कब चाहिए। अब जैसे ऋतु रायतु बाजार है जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ है, और उजावर संथागल है जो कि तमिलनाडु में हुआ है, एग्रीकल्चर के मंडीज हुए हैं जो कि पंजाब में हुए हैं, ये सारे जो हैं वो इंटरेक्शन को बढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन जो किसान और जो लेने वाले जो व्यापारी हैं उनके बीच में बढ़ाते हैं। तो ये सारे एनहेंस करने की जरूरत है कि कैसे एक किसान अपने आप को एक बाजार आधारित अपने आप को बना सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरत है कि प्रोडक्ट की प्लानिंग वो कैसे करें, इसमें हमको एजुकेशन की जरूरत है। डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे हो सकता है उसकी बात करने की जरूरत है। वेबसाइट, जो कि आज तक हमने कभी ये नहीं समझा था कि ई कॉमर्स के मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। ई कॉमर्स के मार्केटिंग की जरूरत इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें इस चीज को समझना चाहिए कि ई कॉमर्स के मार्केटिंग के थ्रू हम सिर्फ दुनिया में, अपने देश में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, हो सकता है कि हम कहीं बाहर किसी दूसरे देश में भी बेच सकते हैं। एक बाहर बैठा हुआ आदमी अपने वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके ये भी पता कर सकता है कि वहां पे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और कैसे वो उसको ले सकता है, कब ले सकता है, कैसे डिलीवरी हो सकती है। तो एक वेबसाइट जो है जो कि B2B और B2C के लिंकेज को समझाता हो, उस वेबसाइट के ऊपर भी हम भार देने की कोशिश करें। अब हमारे इस एक्सटेंशन सिस्टम के लिए हम जो किसानों के लिए क्या हम दे सकते हैं, जो कि ये सब करने की बात आ रही है, तो उसमें क्या क्या हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अभी फिलहाल की एग्रीकल्चर की सिनेरियो, खेती की क्या सिनेरियो है, और लैंड यूज पैटर्न, मतलब खेती के विकास, खेती को जो यूज हो रहा है, जो लैंड, जो खेती के जो जमीन जो यूज हो रहे हैं वो किस फॉर्म में यूज हो रहे हैं, कितना भाग है जो कि उसमें सीरियल में जा रहा है, कितना फ्रूट्स में है, कितना वेजिटेबल, वो समझने की जरूरत है। क्योंकि उसके आधार पर हमको ये पता चलेगा कि हम कितना अपना जो जमीन है वो फ्रूट में ज्यादा डालें, वेजिटेबल में ज्यादा डालें,
हो सकता है कि सुटेबिलिटी ऑफ लैंड होल्डिंग टू वेरियस क्रॉप्स, मतलब कि कौन सा क्रॉप के लिए कौन सा लैंड होल्डिंग सही रहेगा, उसके ऊपर भी हमको जानकारी हमारे पास होना चाहिए, और क्या क्या क्रॉप्स जो कि फ्यूचर में डिमांड पे होने वाले हैं वो भी हमें जानकारी होनी चाहिए, मार्केट प्राइस क्या है, इनपुट की अवेलेबिलिटी का क्या है, उस यूज क्रेडिट फैसिलिटी कहाँ से मिलेगी, ये सारी जो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, नेटवर्क क्या हो सकती हैं, और अबव ऑल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मार्केट इंटेलिजेंस की क्या ज़रूरत है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भाइयों एक चीज़ हमको ज़रूरी है समझना कि एग्रीकल्चर को एक एंटरप्राइज के तौर पर कैसे देखा जा सकता है। एग्रीकल्चर एक एंटरप्राइज इस मामले में क्योंकि वो पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस इस मामले में क्योंकि एक रुपया अगर जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या उगाना है, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उस लैंड होल्डिंग में सुटेबिलिटी क्या है, कौन सा क्रॉप उगेगा, क्या एंटरप्राइज हम लगा सकते हैं, क्या प्राइमरी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, क्या कि एक का मुझे एक रुपये 50 पैसे कब मिल रहा है। ये भी डिसीजन हमको लेने की जरूरत है कि कौन से लैंड होल्डिंग हमको क्या अप्रोप्रिएट होगा। हर क्रॉप हर लैंड होल्डिंग में अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता है। कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारे जो स्टेप्स हैं, वैल्यू एडिशन कैसे हो सकती है, स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है, कब हम बेचेंगे, कहां बेचेंगे, किस प्राइस पे बेचेंगे, बेचने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, तब जब एक बार बेचने के ऑप्शंस आएंगे तब हमको पता चलेगा कि एक का मुझे 5 रुपए मिल रहे हैं या 2 रुपए मिल रहे हैं या 10 रुपए मिल रहे हैं, उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट डालने की कोशिश करेंगे। मतलब एक पूरे के पूरे बिजनेस साइकिल के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद एक रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा कितना रिटर्न है और फिर हम कितना हम लागत मूल्य अपने खेती में लगा सकते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। मित्रों एक चीज तो बहुत समझने वाली बात है, ये सब समझने के बाद भी अगर जो हम पूरे परिप्रेक्ष्य में ये देखें कि प्रोडक्शन मतलब उत्पादन आधारित जो एक्सटेंशन होता था और अभी जो बाजार आधारित एक्सटेंशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या दोनों में तफावत क्या है, इस दोनों में फर्क क्या है। पहले हम जब प्रोडक्शन की बात करते थे, जब उत्पादन आधारित एक्सटेंशन की बात करते थे, तो हम सिर्फ यही बात करते थे कि प्रोडक्शन के टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी हम ये बोलने की जरूरत है कि हम एक रुपये डालेंगे तो कितना उसमें से रिटर्न मिलेगा, मतलब प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी के उपरांत रिटर्न क्या है वो हमको जानकारी मिलनी चाहिए, या किसान के पास ये जानकारी जरूर मिलनी चाहिए, तब जा करके हमें लगेगा कि ये मार्केट लेड एक्सटेंशन का एक भाग रूप है। और दूसरा कि हम सिर्फ पहले मैसेज के डिलीवरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे कि भाई पैकेज और प्रैक्टिसेस को हमने बता दिया, अब हमको ये बताने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी के सिवाय रिटर्न, हाईएस्ट रिटर्न किस में कब आएगा और कितना आएगा वो हमको जानकारी मिलेगी। किसी भी फार्मर को हम पहले डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए करते थे, कोई जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर हुआ करता था, जो कि ज़्यादा अच्छी तरह कोई खेती करता था, उसको हम पहले लेकर के आगे हम काम करते थे टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए। अब हम देख रहे हैं कोई भी एक फार्मर को हम उद्योग साहसिक कैसे बना सकते हैं। पहले हम सीड टू सीड मतलब बीज बोया खेत में, उसके बाद बीज निकला खेत में से और फिर से कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं उसकी बात करते थे, लेकिन अब क्या है कि एक रुपया, अब बीज को हम रुपए के हिसाब से देखें और कितना रुपया मिला और कितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब सीड टू सीड, बीज से बीज और अभी रुपए से रुपए, इस तरह के रिटर्न देखने की फोकस करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि पहले हम जो उत्पादन आधारित जो टेक्नोलॉजी की बात करते थे, उस समय एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से कौन सा क्रॉप सिचुएशन, कौन से फार्मिंग सिस्टम में कौन सा क्रॉप लगेगा, उसके बदौलत भी हम लोग यही सिर्फ देखने की कोशिश कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी कितना हमारे लिए अच्छी तरह काम करने की कोशिश किया है, वो पैकेज में हमको प्रोडक्शन कितना मिला है, बाद में मार्केट के लिए क्या। जब ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर जब हम मार्केट लेड एक्सटेंशन की बात करेंगे तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास अलग अलग प्रैक्टिस अपनाने से अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग फार्मिंग सिस्टम में अलग अलग रिटर्न मिल सकता है। ये सारे इंटरेक्शंस जो है एक्सटेंशन के इंटरेक्शंस के लिए हमको जरूरी है कि पहले हम मैसेज, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, उसके बाद फिर रिकमेंडेशंस करते थे। अब जरूरत क्या है कि हम साथ में मिल बैठ करके अपने एनालिसिस करें कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चॉइस अवेलेबल हैं, और उस चॉइस के हिसाब से हम अपने रिकमेंडेशंस को आधारित कर रखें। और इस रिकमेंडेशन में एक बात कहने की जरूरत यह भी आ रही है कि बाजार आधारित एक्सटेंशन में प्राइवेट एक्सटेंशन की बात बहुत आ रही है, जिसमें कंसल्टेंसी की बात आती है कि किसी भी आदमी को, किसी भी किसान को अगर जो हमने ये बताया कि ये पर्टिकुलर क्रॉप में ये पर्टिकुलर प्रोसेसिंग की संभावनाएं हैं, यहाँ पे मार्केट प्राइस अच्छा मिल सकता है,
तो हो सकता है कि इसमें इंटरेक्शन लेवल में थोड़ी बहुत बहुतायत के तौर पे हम देखेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल आने की संभावनाएं हैं। लिंकेज जो है वो पहले रिसर्च एक्सटेंशन और फार्मर के बीच में लिंकेज होता था, अब रिसर्च एक्सटेंशन और फार्मर के साथ साथ मार्केट के साथ भी लिंकेज करने की बात हो रही है। और सबसे अमूमन एक बहुत समझने वाली बात है कि अब तो हमारी पहली जो थी वो डिलीवरी मोड में थी और फीडबैक जो था वो रिसर्च सिस्टम तक आता था। अब तो क्या है कि मार्केट इंटेलिजेंस क्या है, हमारे जो ज़्यादातर देखा जाए तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर का फंक्शन हो गया है। हम एक मार्केटिंग और एग्रोक्लाइमेटिक प्रोसेसिंग के हिसाब से देखते हैं तो अलग अलग फार्मर ग्रुप्स को, अलग अलग मार्केट्स को, अलग अलग प्रोसेसर्स को क्या क्या जरूरत है, उन सारी जरूरतों के इन्फॉर्मेशन को लेकर के हम पहुंचते हैं और तब हम देखते हैं कि क्या उनका एक अभिप्राय के तौर पर क्या मिलने वाला है। पहले कभी भी कोई भी हिसाब किताब रखता नहीं था, अब तो हमको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को भी देखने की जरूरत है। और ज़्यादातर जो पहले प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात आती थी उस समय, अब तो प्राइस ट्रेंड, डिमांड पोजीशन, करंट प्राइस क्या है, मार्केट प्रैक्टिस क्या है, क्या कम्युनिकेशन के माध्यम है, कैसे, ये सब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के उपरांत हम लोग बताने की जरूरत है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हमें ये कहने की जरूरत है कि अब इस पूरे चीज़ों को देखने के बाद, जैसे आपने बाजार आधारित एक्सटेंशन की बात मैंने जो आज की उसमें आपने देखा कि बाजार आधारित एक्सटेंशन से क्या क्या फायदाएँ होते हैं और क्या करने की जरूरत है और इसमें प्रोडक्शन सिस्टम में हमको क्या और जानकारी देनी चाहिए। ये थोड़ी सी जानकारी जो हुई मुझे लगता है कि आज आपको एक समझने में कोशिश करी, लेकिन इसके उपरांत भी आप अगर जो जानना चाहते हैं तो आप मैनेज की वेबसाइट पर जाइए या तो मैनेज के दिए हुए रीडिंग मटेरियल पर आप देखने की कोशिश करें। धन्यवाद।